अगर कोई शख्स किसी अदालती या पुलिस केस में फंसा हुआ हो और चाहता हो कि बाइज्जत बरी हो जाए तो उसे चाहिए कि ये तावीज़ लिखकर पास रख ले। इंशाल्लाह मुकदमे से जान छूट जाएगी। इसके अलावा अगर जज, अफसर या हाकिम के सामने पेश होना हो तो ये तावीज़ अपने साथ रखे। इंशाल्लाह अफसर मोहब्बत और शफकत से पेश आएगा। ये एक नूरी तावीज़ है और सूरह शूरा का नक्श सुलेमानी है। इस नक्श को आतिशी चाल से लिखना है। तावीज़ लिखने से पहले वजू कर लिया जाए, नमाज असर के बाद लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये नक्श किसी ऐसे सफ़ेद कागज़ पर लिखा जाए जो दोनों तरफ से बिल्कुल साफ हो। सबसे पहले 786 तहरीर करें, फिर लाइनें लगाकर खाने बना लिए जाएं। फिर इन खानों में ये हिंसे पुर करें जो सामने नज़र आ रहे हैं। याद रहे कि ये तावीज़ आतिशी चाल से लिखना है। आतिशी चाल वीडियो के शुरू में दिखाई गई है। चाल को दोबारा से देखकर हिंसे पुर करें। इसके बाद नक्श के नीचे अपना पूरा नाम और अपनी वालदा का पूरा नाम लिखें। फिर तावीज़ को फोल्ड कर लें, फिर मोम जामा करके किसी डोरी के ज़रिए गले में पहन लें या बाजू पर बांध लें। अगर मोम जामा नहीं करवा सकते तो किसी भी कपड़े में सिलाई करवा के पहन लें। ये तावीज़ जेब या बटवे में भी रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ताकतवर तरीन तावीज़ बहुत जल्दी असर करे तो आपको चाहिए कि मुकम्मल यकीन के साथ बताए गए तरीके के ऐन मुताबिक लिखें। अगर आप बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ते तो बेहतर है किसी ऐसे शख्स से लिखवा लें जो सारी नमाज़ें पढ़ता हो। इस तावीज़ की इजाज़त के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर करें। शुक्रिया।